ए सुनो, का है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुम्हरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़ा था ना, तो लोगों का बजट हिल जाता था बजट। और जब हमार भाव बढ़ते तो बाजार हिल जाते बाजार। चुप हो जाओ कमबख्त, तो कहीं हमार भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए सरकार। का हो मिक्सी, चटनिया पिस गई? हाँ चचा, चटनिया तो पिस गई। तुहार सब के बढ़िया हो, बटन दबाए घुर से चटनी पिस गई, बटन दबाए घुर से मसाला पिस गवा, बटन दबाए घुर से जूस निकल गवा। हमरे समय में तो बड़ी तकलीफ रही, सिलबट्टा उठाए में हाथ खींच जात रहा, चटनी पीसे में कमर टूट जात रही, और सिलबट्टा वापस रखे में पाद निकल जात रहा। का चचा, तुम लोग कुछ भी बोला करत हो। का बताई, बड़ी मेहनत रही बिटिया। भाई साहब, हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब, घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा, मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं। वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब, मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा, क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया, रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है। अरे भैया, मुंह लटका के काहे बैठे हो? क्या बताएं, बीबी से झगड़ा हो गया। अरे छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं, इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है। मुंह ना लटकाए तो क्या करें हैं? क्या करें बताओ, क्या करें। रोज हमारे घर में तरोई की सब्जी बनती, कद्दू की सब्जी बनती, बैगन की सब्जी बनती है। आज साला झगड़ा हो गया तो कमबख्त ने पनीर की सब्जी बनाई है। मोटी अकेले ही सब खाएगी, हमको नहीं देगी कुछ। हमको भी पनीर की सब्जी खानी है। अरे भैया, तुम्हारे तो सिर पे एक साइड चोट लगी रही, तब तुम ये टाका दोनों साइड का है लगवाए हो। का बताई भैया, डॉक्टर के पास छुट्टा ही नहीं रहा, यही मारे हम दूसरे साइड भी टाका लगवा लिए। भैया देखा, पैसा पूरा वसूल होए के चाहे। सुनो, क्या है? खाना खा लिए? हाँ खा लिए, आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था। क्यों, बाकी दिन खाना अच्छा नहीं बनता है? नहीं, बाकी दिन भी खाना अच्छा बनता है। तो बाकी दिन तो तारीफ नहीं करते? अरे मैं कह रहा था, तुम बहुत दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हो। क्यों, मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो। तो मेकअप कराने को क्यों बोल रहे हो? अरे वो तो गलती से मुंह से निकल गया, मैं तो शॉपिंग करने के लिए बोल रहा था। क्यों, पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं? अरे नहीं, पैसे बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं, पता नहीं कैसे मेरे पैसे दूसरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 1000 रुपए रेस्टोरेंट वाले के अकाउंट में चले गए, सुबह 3000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाले के अकाउंट में चले गए थे, और कल तो हद हो गई, कल 10000 रुपए शॉपिंग मॉल वाले के अकाउंट में चले गए। अब तुमने तो दूसरे अकाउंट में भेजे नहीं होंगे, सोच रहा हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँ। अरे छोड़ो ना, 15000 रुपए के लिए कौन थाने में रिपोर्ट लिखवाता है। बेटा बड़े होगे तुम क्या बनोगे? अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल, इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? अंकल मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे। आलू दुई का पहाड़ा सुनाओ। जी मास्टर साहब, सुनावत थी। दुई एकम दुई, दुई दुनी चार, दुई तीन छः, दुई चौंग। ये क्या गलत सलत पहाड़ा सुना रहे हो? मास्टर साहब देखो, दिमाग गिन खराब करो, पहाड़ा भले गलत हो लेकिन सिर एकदम सही लागत ना हमार। अरे भैया, हम 10000 रुपए का अनार बम लाए थे, 2 घंटे में सारे फोड़ दिए। तुम कौन सा बम लाए थे जो पूरी रात फोड़ते रहे? भैया हम 20 रुपए वाला मूली बम लाए थे, वही सारी रात फोड़े हैं। मूली बम? ये कौन सा बम है भैया? आधा किलो मूली लाए थे, उसी के पराठे बनवा के खा लिए, उसके बाद पूरी रात दहाए धुस फुस यही चला है। डॉक्टर साहब, हमारी तबीयत बहुत खराब है, कौन दवा दे देते? ये लो, इस पर्चे पे दवा लिख दिए हैं, इसको 4 हिस्सों में करके पानी में घोल के पी जाना। ठीक हो डॉक्टर साहब। अब कैसी है तबीयत? तबीयत पहले से तो ठीक बात है डॉक्टर साहब, वही दवाइयाँ फ्री दे देते तो अच्छा रहा। दवा की पर्ची लाओ। वो तो आप कह रहे हैं 4 हिस्से कह के पानी में घोल के पी जाना, तो हम पर्ची के 4 हिस्से कह के पानी में घोल के पी गए। अरे पागल हो क्या, दवा घोल के पीनी थी, पूरी पर्चियां घोल के नहीं पीनी थी।